आप वो सोए हुए हो, 7 बज गए, 7:30 हो गए, 8 बज गए, ओ जी ठंड बड़ी। अब तुम्हें समझना है मुझे क्या करना है। बोलो क्या करना है, अब मुझे क्या करना है। मैंने आलसी बने रहना है, इसलिए परमेश्वर ने आलसी को कहा, हे आलसी चींटियों की ओर देख, जो भोर से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर धूप काल तक अपना अहेर, अपना भोजन इकट्ठा करती, छोटा सा जीव होता है। कहता उसकी ओर ध्यान दे, क्या कर, उसकी ओर ध्यान कर। चींटियों का मतलब कीड़ियों, जिस छोटा सा जीव होता है कीड़ी, हाथ में भी उसे ऐसे पकड़ो तो वो आपके, उसको आप चाहो ना ऐसे यहां से उठाकर वहां पे रखना तो वो मर जाएगी, पर छोटी सी है वो, कितनी मेहनत करती। कहता उस पर ध्यान कर। कितने मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं करेंगे तो हम खुदा से कुछ नहीं पा सकते। बोलो क्या है, हम कुछ नहीं पा सकते, हमें एक मेहनत करनी है। किसके साथ, बोलो क्या करनी है, मेहनत करनी है। मैं भी एक आप ही के जैसा, मुझे भी ठंड लगती है, ऐसा नहीं मैं लोहे का हूं, पर मुझे पता है मैंने क्या करना है, कितने बजे उठना है, मैंने बैठना है। बोलो क्या है, मुझे पता है मैंने क्या करना है। अगर मुझे पता तो आपको भी बताना चाहिए। इसीलिए कहा जीजस लिखा, वो सीखने और सिखाने लगा, पहले खुद करने लगा फिर सिखाने लगा, तुम भी करो। अगर तुम नहीं आज करोगे तो तुम्हारे बच्चे कहां करेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी कहां करेगी। अगर हम नहीं कर रहे तो फिर आपके बच्चे कहां करेंगे। आप वो सोए हुए हो, 7 बज गए, 7:30 हो गए, 8 बज गए, ओ जी ठंड बड़ी, तो बच्चे कहां करेंगे। परमेश्वर को उत्तम जीवन लेकर हमारे लिए स्वर्ग से आया है, वो चाहता है, पर वो नियम से मिलेगा। बोलो कैसे मिलेगा, नियम से मिलेगा। नियम, नियम के बाहर परमेश्वर कुछ नहीं करता।